अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इर्शाद किचन में आपका बहुत ही डेसा तरीका है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी टेस्टी मरीदे की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ आप मुझे अपना बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मरीदा बनाना। तो चलिए फ्रेंड, मलीदा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए आटा ले लिया। ये मेरा एक कप आटा जो कि मैंने लिया है। और जैसे कि हम हेल्दी मलीदा बना रहे हैं इसलिए हम आटे से बना रहे हैं, मैदे से नहीं बना रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। एक टेबल स्पून के करीब हम घी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सूजी। इससे हमारा मलीदा थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप मिल्क लिया है जिससे हम अपना आटा गूंदेंगे। इससे हमारा आटा खूब अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा और हमारा मलीदा खूब अच्छा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। पहले तो हम घी को और सूजी को अच्छे से आटे में मिला लेते हैं और फिर हम इसको अच्छे से गून लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने आटे में अच्छे से घी और सूजी मिला दी। अब हम इसको अच्छे से गून लेते हैं। बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको गूनते जाएंगे। ये मेरा हल्का सा गुनगुना दूध है। और फ्रेंड्स, हम इसका आटा नॉर्मल गूंदेंगे जैसे कि हम अपनी रोटी के लिए गूंदते हैं, वैसे ही गूंदना है बस हमें इसको। और देखिए मेरा दूध कम पड़ा, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध और ले लिया है। खूब अच्छा गूंदना है। जितना अच्छा आटा गूंदेगा उतनी अच्छी हमारी रोटियां बनेंगी और जितनी अच्छी रोटियां बनेंगी उतना अच्छा हमारा मलीदा बनेगा सॉफ्ट सॉफ्ट सा। और ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कैसा अच्छा सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है मैंने, कैसा चिकना हो गया हमारा आटा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। बस को 2-4 मुट्ठी और लगाएंगे हम अच्छे से और फिर इसको रख देंगे साइड पे सेट होने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंद चुका। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना आटा ढक देते हैं, इसको रखते हैं साइड पे थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए। जब तक ये रेस्ट पे है हम अपना फटाफट दूसरा काम कर लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी शक्कर पीस लेते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून शक्कर ली है, इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी 2 टेबल स्पून शक्कर है जो कि हमारे मलीदे में एकदम परफेक्ट रहेगी, एकदम परफेक्ट मीठा बनेगा हमारा मलीदा। अगर आपको एक्स्ट्रा मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर और ऐड कर लें, आपका मलीदा और मीठा हो जाएगा। बट 2 टेबल स्पून शक्कर में ये एकदम परफेक्ट मीठा रहेगा। तो चलिए फटाफट से हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पीस लिया हमने अपनी शक्कर। अब हम इसको रख देते हैं साइड पे और अपने ड्राई फ्रूट कट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कोकोनट लिया, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। चलिए अब हम इस कोकोनट को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना कोकोनट ग्रेट कर लिया है। हम इसको रख देते हैं साइड पे और अपना कुछ और ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता लिया है, थोड़े काजू है, थोड़े बादाम है, इनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए बस इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा सारा पिस्ता कट चुका है। अब हम इसको रख देंगे साइड पे और अपने बादाम कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट हमने अपने ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं अच्छे से। देखिए बारीक बारीक कट किया हमने इसको। अब हम इसको रखते हैं साइड पे और अपने मलीदे के लिए रोटी बनाते हैं, क्योंकि हमारा आटे को भी रखे हुए 10 मिनट एटलीस्ट हो चुके हैं, ये सेट हो चुका है। अब फटाफट से हम इसकी रोटियां बेल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बना लेते हैं इसकी अपनी लोई और फिर इसकी हम रोटी रेडी करते हैं। फिर हम थोड़ा सा इसको अच्छे से और एक बार भून लेंगे। देखिए कैसा अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट आटा है हमारा। चलिए हम आटे की क्वान्टिटी डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में। और चलिए हम इनकी रोटी बनाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपनी आटे की तीनों बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों बॉल्स रेडी है। फटाफट से हम इनकी रोटी बेल लेते हैं। तो पहले हम अपनी शीट पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक रोटी हमारी रेडी हो गई, इसको हम रखते हैं साइड पे और इसी तरह से अपनी और दोनों रोटी बेल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी हमारी तीनों रोटी। अब फटाफट से हम इसको सेक लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी गैस ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गैस पर रख देते हैं अपना तवा। अब तवे को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर अपनी रोटी सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर अपनी रोटी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी रोटी को पलट देते हैं। और चलिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपनी सारी रोटी सेक लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी रोटियां सेक चुकी हैं, अब हम इन्हें गर्म गर्म तोड़ लेंगे और तोड़ के मिक्सी जार में डाल के हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। और फ्रेंड्स गर्म गर्म ही तोड़ना है हमें अपनी रोटियां। तो ये देखिए हमने जिस जार में शक्कर पीसी थी उसी में अपनी रोटियां डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा रखेंगे, एकदम बारीक नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी रोटी पीस ली है, पहले तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी रोटी निकाल दी है, देखिए कितनी अच्छी हमने रोटी को पीस ली, एकदम दरदरा सा। बस इसी तरह से हम अपनी सारी रोटी पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी सारी रोटियों को अच्छे से पीस ली है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। चलिए फटाफट से हम अपना टेस्टी टेस्टी से मलाईदार रेडी कर लेते हैं। तो हम इसको रखते हैं साइड पे और अपनी गैस ऑन करते हैं ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने गैस पे अपनी छोटी सी कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी, एकदम थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा घी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम अपनी खशखश रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम गैस की फ्लेम लो करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 टेबल स्पून खशखश और इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। और इसको हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है, जल जाएगी हमारी खशखश, इसलिए लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हल्की हल्की पॉप होने लगी है, तो यानी कि हमारी खशखश अच्छी भुन चुकी है। तो चलिए हम ये खशखश ऐड कर देते हैं अपने रोटी में, यानी कि मलीदे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपनी खशखश अपने मलीदे में ऐड कर दी है। अब हम अपना कोकोनट रोस्ट करेंगे, उसके लिए भी हम थोड़ा सा घी इसमें ऐड करेंगे। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हम साथ में ही रोस्ट कर लेंगे, बट खशखश और जो हमारा कोकोनट है वो जल्दी से रोस्ट हो जाता है, इसलिए हम इन्हें अलग अलग रोस्ट कर रहे हैं। नहीं तो अच्छे बाकी सारे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको रोस्ट करेंगे तो ये दोनों चीज़ जल जाएंगी और बाकी के ड्राई फ्रूट्स देर से रोस्ट होते हैं क्योंकि। बस हमें 30-40 सेकेंड्स के लिए इसको रोस्ट करना है, हमें कोई कलर नहीं देना है हमारे कोकोनट पे। ऐसी ये वाइट वाइट हमारे मलीदे में दिखेगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। बस ये थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए हमारा कोकोनट, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। और चलिए हम अपने कोकोनट को भी अपने मलीदे में ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब घी। इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा घी बचा हुआ रहेगा वो हम अपने मलीदे में ही ऐड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने बादाम, पिस्ता, काजू, चिरौंजी, उनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और मैंने अपनी गैस की फ्लेम हाई कर ली है, इनको हम हाई फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। और चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपनी किशमिश। और ये देखिए इसको रोस्ट होते हुए 1 मिनट कंप्लीट हो गया, हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। और चलिए अब हम ये अपने ड्राई फ्रूट्स और घी अपने मलीदे में ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। और फ्रेंड्स हमने देखिए घी हमें इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर रहे थे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी ले लिया था, तो अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि अलग से आप घी गर्म करें फिर इसमें ऐड करें। तो हमने अपनी थोड़ी सी मेहनत बचा ली है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी हमने अपने ड्राई फ्रूट्स के टाइम पर ले लिया था। चलिए इसको हम अच्छे से पहले तो मिक्स कर लेते हैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स खशखश। तो ये देखिए किस माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है हमारा मलीदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसकी जान शक्कर, इसके बिना तो कोई टेस्ट ही नहीं है हमारे मलीदे में। तो चलिए ये शक्कर ऐड कर देते हैं हम इसमें और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए कैसा हेल्दी सा टेस्टी सा हमारा मलीदा रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने खूब अच्छे से अपने मलीदे में शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, घी अच्छे से मिक्स कर दिया है, रेडी हो चुका है ये खाने के लिए। और इसको आप चाहें तो 8 दिन के लिए बाहर बिना फ्रिज के स्टोर कर दें, बस एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दें, ये 8 दिन तक बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इसको 8 दिन के बाद फ्रिज में रख देंगे तो ये आप 15 दिन तक रख के आराम से खा सकते हैं इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स रेडी है हमारा यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी सा हेल्दी सा मलीदा, तो इसे आप जरूर बनाइए ट्राई करिए। मुहर्रम में तो ये स्पेशल बनता ही है, तो इसे आप जरूर ट्राई करिए, अपनी टेंशन नहीं फिलाइए, मुझे कहते हैं कमेंट करिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।